हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद इतिमन। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हरियाणा से वैकेंसी यदि आती है तो आप प्लीज़ बताइएगा। तो सैनिक स्कूल शिक्षक भर्ती हरियाणा से वैकेंसी आ चुकी है। सभी राज्यों से स्टूडेंट्स यहां आवेदन कर सकते हैं। बीएड सीटेट एलिजिबल रहेंगे। सैलरी यहां पर 63,758 रुपये जो है यहाँ पर मिलने वाली है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर मैंशन किए हैं, जैसे संस्कृत है, SST में जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स है, काउंसलर है, LDC है, PTI है, नर्सिंग है, मेडिकल ऑफिसर है। इसके अलावा भी कई वैकेंसी हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी जो है यहाँ पर केवल SST की और संस्कृत की मैंने लिखी है 63,758। चलिए बाकी चीज़ें नोटिफिकेशन में चेक करेंगे। मेन वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं। तो इसके जो होम पेज है सैनिक स्कूल का हरियाणा का, तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ में आपको नजर आएगा वैकेंसी सबसे ऊपर आ रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। और नीचे ही एप्लीकेशन फॉर्म का जो है वो फॉर्मेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है जॉब लोकेशन जो है वो आप देखिए, सैनिक स्कूल रेवाड़ी एट विलेज गोथरा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा, ठीक है। हरियाणा राज्य से ये वैकेंसी है, जिला है रेवाड़ी। यहाँ पर जो है वैकेंसी मेडिकल ऑफिसर की है, एक पोस्ट है और MBBS डिग्री जो है क्वालिफिकेशन यहाँ होनी चाहिए। 75,402 मिलेंगे यहाँ पर। पेमेंट आप लोगों को 18 से लेकर 50 साल उम्र रखी गई है। TGT संस्कृत, संस्कृत की वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती है। और सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, यहाँ पर तो वैकेंसी जो है वो ना के बराबर रहती है। तो जो भी स्टूडेंट संस्कृत के हैं यदि ऐसे स्कूल्स में वैकेंसी निकलती है तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी सैलरी के साथ जो है वो आप लोगों को यहाँ पर रखा आता है। 21 से 35 साल जो है वो उम्र रखी गई है यहाँ पर। यहाँ पर क्वालिफिकेशन कहा है कि BA 50% मार्क्स के साथ जो है संस्कृत में होनी चाहिए। BEd मांगा गया है। और आपको पता है कि सैनिक स्कूल में CTET चलता है, यहाँ पर HTET हरियाणा टेट जो है यहाँ नहीं मांगा जाता। इसका मतलब है ऑल इंडिया कैंडिडेट जो है यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, किसी भी राज्य से हैं तो वहाँ यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। यहाँ पर SC की जो है वो एक सीट यहाँ पर है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर TGT सोशल साइंस की जो वैकेंसी है, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पर कहा है हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी होना चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। BEd मांगा गया है। CTET पेपर 2 जो है वो आप लोगों ने कम्प्लीट कर रखा हो। सैलरी जो है यहाँ पर संस्कृत और SST की 63,758 है। और 21 से 35 साल के स्टूडेंट यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आप लोगों को जो है वो पढ़ाना होगा। लिखा है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। काउंसलर की वैकेंसी है, तो साइकोलॉजी में अगर आपने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, साथ में चाइल्ड डेवलपमेंट या डिप्लोमा अगर आपने किया है करियर गाइडेंस का या काउंसलिंग का, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। 63,758 जो है यहाँ पेमेंट। और 21 से 35 साल जो है यहाँ पर रखी गई है। नर्सिंग सिस्टर जो केवल फीमेल ही यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगी, जनरल कैटेगरी की जो है वो एक यहाँ पर सीट है। नर्सिंग में डिप्लोमा या डिग्री जो है होना चाहिए और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस केवल यहाँ पर इसके लिए मांगा गया है। बाकी जो है वो संस्कृत और SST काउंसलर यहाँ पर कोई भी जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो 36,210 जो है यहाँ पर पेमेंट मिलेगी। 18 से 50 साल जो उम्र रखी गई है। अब ऐसी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी कि एक्सपीरियंस भी जो है वो यहाँ पर नहीं मांगा गया है। और साथ में जो है यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट जो है यहाँ एलिजिबल रहते हैं। सैलरी जो है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर मिलती है। साथ में जो आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस जो आएगा तो वो आप लोगों के काफ़ी काम आएगा जब रेगुलर वैकेंसी आती है। PTI के वैकेंसी है जहाँ फीमेल ही जो है यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगी। 41,464 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। क्वालिफिकेशन कहा है कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट अगर कोई एग्जाम दिया है तो यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर इंग्लिश जो है वो आपको बोलनी आनी चाहिए। नेक्स्ट मैथ्स मैनेजर की भी एक वैकेंसी है जनरल की, तो यहाँ पर जो है मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, 5 साल का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। यानी टीचिंग स्टाफ जो है वहाँ पर नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। मैथ्स मैनेजर के लिए 41,464 रुपये है मिलते हैं यहाँ पर। 18 से 50 साल उम्र जो है वो सभी के लिए रखी गई है। LDC की यहाँ पर वैकेंसी है, मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट कहा गया है। आपके पास जो है कंप्यूटर नॉलेज, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट, इसकी नॉलेज जो होनी चाहिए। 28,258 आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने बता दी है। एज है, एज, सैलरी और क्वालिफिकेशन। बाकी जो है एज रिलैक्सेशन इन्होंने लिखा है कि द मैक्सिमम एज लिमिट प्रेस्क्राइब टू अ पोस्ट शैल बी इंक्रीज्ड बाय 5 ईयर इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST एंड बाय 3 ईयर इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू OBC।
यहाँ पर लिखा है जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो एप्लीकेशन कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पर लिखा है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी एट विलेज गोथरा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा, ये पिन कोड नंबर है, ये तो है एड्रेस। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा स्कूल की वेबसाइट पर, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इसके साथ जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ में आप लोग अटेस्ट करेंगे, और बैंक ड्राफ्ट जो है वो आप लोगों का 500 रुपीज जो है यहाँ पर आप लोगों का लगेगा, तो आप लोग जो है वो ईमेल करेंगे। ठीक है, ईमेल करना है आप लोगों को। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन द स्कूल इज 22 सितंबर, इसे आप ध्यान रखें। एप्लीकेशन कर रहे हैं अगर तो 22 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। अब जो है सिलेक्शन कैसे होगा तो ये जानिए, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। तो जिनकी क्वालिफिकेशन जो है इनको सही लगेगी और जिनका अच्छा रहेगा परफॉर्मेंस तो उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो समय से पहले एप्लीकेशन कर दें, 22 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। तो दोबारा से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेन वेबसाइट ये है इसकी ssrw.org, गूगल करेंगे आप, लेटेस्ट न्यूज में सबसे ऊपर ही वैकेंसी दिखेगी, उसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिखेगा। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करके अच्छे से जो है वो आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे, और इसी के होम पेज पर जो है आप लोगों को नजर आएगा इंस्ट्रक्शंस नजर आएंगे ऑनलाइन फीस पेमेंट का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो निर्देश हैं किस तरीके से पेमेंट करना है वो आपको यहां पता चलेगा। उसके बाद क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन फीस पेमेंट, ऑनलाइन फीस पेमेंट जो है वो करने के लिए आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।